हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पोर्ट्स 365 में। जिन दो भाइयों ने दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लें चैनल को। आज हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे नेटवेस्ट की, जो कि नेटवेस्ट T20 की, जो कि लंकाशायर वर्सेस डरहम के बीच में है। और यहाँ पर जो हमारे पास न्यूज है वो तो बड़ी न्यूज आई है दोस्तों। हम न्यूज़ देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम बनाएंगे टीम न्यूज में क्या है पहले वो देख लेते हैं दोस्तों। स्क्वाड है हमारे पास डेन, ये डेन विलास जोन बिचा, एक सेकेंड। स्क्वाड दोस्तों डेन विलास जोन बिचानन, कार्ल ब्राउन, जॉर्डन क्लार्क, स्टीवन लेक डेविज, जेम्स फोकनर, जाहिर खान, डैनी लैम, टोबी लेस्टर, एरोन लिली, ग्राम ओनियन, मैट परकिंसन, मार्क वाट। तो दोस्तों देख लेते हैं जो मेन न्यूज है वो देखते हैं। मेन न्यूज ये है कि हमारे पास जॉर्डन क्लार्क दोबारा वापस आ गए हैं टीम में, और जो है कैप्टन लियाम लिविंगस्टोन अभी तक आउट हैं, जो आज नहीं खेलेंगे। जॉर्डन क्लार्क काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं जिनको मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, लास्ट 4 ईयर से जानता हूँ। ये काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करते हैं मौका मिलने पर, और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो दोस्तों और हमारे पास हैं एलेक्स डेविड, सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं टीम में। कार्ल ब्राउन भी अच्छे हैं, ओपनर आएंगे लियाम लिविंगस्टोन की अब्सेंस में ये ओपनर आएंगे, और बटलर भी है नहीं है। एलेक्स डेविड काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं, जेंक फोक्सनर और जॉर्डन क्लास अच्छे हिटर के रूप में हैं, मैथ्यू परकिंसन है। तो ड्रम में जो है एक बार यहाँ पर इमरान ताहिर आज नहीं खेलेंगे दोस्तों, इमरान ताहिर आज आउट हैं। ऑलराउंडर में स्कॉट स्टील टीम में लिए गए हैं, लेकिन पॉल कॉलिंगवुड बैक आ गए हैं। पॉल कॉलिंगवुड रेस्ट पे थे पिछले मैच में, ये आज खेलेंगे। पॉल कॉलिंगवुड को अब ड्रॉप नहीं करना। और विल स्मिथ भी आज आ गए हैं टीम में, और देखते हैं दोस्तों। ये तो हो गई जेम्स वीगल और नो टम रिंगम, ये दोनों इनके पे अटैकर हैं जो लीड करेंगे अटैक बॉल को, फास्टर सीमर्स जो होते हैं। बैरी मैकार्थी भी पिछले मैच में 4 विकेट लिए हैं, तो ये भी फिक्स है आज खेलेंगे। रियान प्रिंगल ये भी फिक्स खेलेंगे, लास्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है इन्होंने। प्लेइंग 11 हम देख लेते हैं, एलेक्स डेविज हैं, कार्ल ब्राउन है, एरोन लिली हैं, डेन विलास हैं, मैथ्यू परकिंसन, टोबी लेस्टर, जॉन बुचानन भी खेलेंगे, जेम्स होकनर भी खेलेंगे, स्टीवन क्रॉफ्ट और जॉर्डन क्लार्क भी खेलेंगे। अगर डाउट है तो इन दोनों में है, आप देख लेना दोस्तों। मार्क वाट और जाहिर खान में, दोनों अच्छे हैं वैसे तो, आई थिंक जाहिर खान को दे सकते हैं मौका। ड्रहम की प्लेइंग 11 जो हो सकती है वो उसमें लाथा मैं, ग्राहम क्लार्क हैं, पॉल कॉलिंगवुड है, जेम्स वीगल, विल स्मिथ, रियान डेविज, आई थिंक रियान डेविज भी खेलेंगे, और रियान प्रिंगल भी खेलेंगे। स्टुअर्ट पॉन्टेट तो विकेट कीपर रहेंगे, रिंगविंटन, बैरी मैकार्थी और क्रिस रुजरवर्थ, ये हो जाएगी ड्रीम 11 के अलग सही। तो दोस्तों ये तो हो गई टीम न्यूज, अब देख लेते हैं पिच कंडीशन। मैं बता देता हूँ आप लोगों को पिच कंडीशन ये है, ये मैनचेस्टर में मैच हो रहा है और मैनचेस्टर की पिच काफ़ी अच्छी होती है बैटिंग के लिए। यहाँ जो मैक्सिमम विकेट गिरेंगे आपके 4 से 5 विकेट गिरेंगे, अगर कोई भी टीम वीक है तो 6 से 7 विकेट गिरा देती है। ओवरऑल ये कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी टीम ऑल आउट नहीं होगी, और स्कोर जाएगा 180+। अगर लंबी मिलती है ऐसी तो आप अगर बैटिंग करते हैं कहीं भी तो जो ज़रूर यस कर देना लंबी को, और मोस्टली जो विकेट गिरेंगे कॉट आउट होंगे। आप ऑनलाइन करते हैं तो कॉट आउट यस करना। बाकी दोस्तों बता देता हूँ प्रिडिक्शन कि ये मैच विन कौन होगा। ये मैच मेरे हिसाब से लंकाशायर विन होगी, मेरी प्रिडिक्शन में ये लंकाशायर 90% विन होगी ये मैच, क्योंकि लंकाशायर इस टाइम पे, वैसे तो लंकाशायर के मेन बैट्समैन नहीं है बट स्टिल जो है इनके पास बॉलिंग अटैक काफ़ी अच्छा है। डरहम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लग रही है बट ये मैच उड़ेगा। यहाँ पर जो फीचर्स न्यूज आ रही है मेरे पास उसमें कह रहे जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने बताया ये मैच उड़ेगा आज। बाकी देखते हैं दोस्तों क्या होगा, देख लेते हैं अपनी ड्रीम 11 की टीम क्या बनती है वो करता। ड्रीम 11 की टीम देख लेते हैं दोस्तों। हमारे पास यहाँ पर विकेट कीपर में जोस बटलर हैं, डेन विलास हैं, स्टुअर्ट पॉन्टेटर हैं, प्रूफ गेस्ट हैं। तो जैसे कि केवल दो ही खेलेंगे, डेन विलास और स्टुअर्ट पॉन्टेटर, हम लेंगे डेन विलास को, ये सबसे अच्छे फॉर्म में है और ऊपर भी आते हैं, स्टुअर्ट पॉन्टेट काफ़ी नीचे आते हैं इसलिए दिक्कत है। कि देख लेते हैं हमारे पास बैटिंग में किसे लेना है। बैटिंग में हम लेंगे दोस्तों टॉम लैथम को, लियाम लिविंगस्टोन आउट है, टॉम लैथम को लेंगे, कीटन जेनिंग्स आउट है, ग्राम क्लार्क को लेंगे, एलेक्स डेविज को लेंगे, माइकल रिचर्डसन तो एक भी मैच नहीं खेले हैं, कार्ल ब्राउन को लेंगे, ओपनिंग आते हैं, रियान डेविज आप चाहें तो ले सकते हैं पर उतने अच्छे नहीं है फैंटेसी के हिसाब से। अगर आप स्मॉल लीग खेलते हैं आप रियल में ट्राई कर सकते हैं उनको। तो दोस्तों देख लेते हैं ऑलराउंडर में, ऑलराउंडर में हमारे पास बेन स्टोक नहीं है, बेन स्टोक नहीं खेलेंगे, विल स्मिथ आ गए हैं वापस, आप चाहें तो विल स्मिथ ले सकते हैं, पॉल कॉलिंगवुड को जरूर लेंगे दोस्तों, ये पॉल कॉलिंगवुड काफ़ी अच्छा खेलते हैं।
ऑलराउंडर में ओपनिंग में आएंगे ये, हो सकता है, नहीं तो वन डाउन तो फिक्स आएंगे। और बॉलिंग में भी दो से तीन ओवर डालते हैं तो विकेट भी ले सकते हैं। आप चाहें तो जैन फोक्सनर को ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपनी टीम में जॉर्डन क्लार्क को लिया है। आप चाहें तो जेम्स फोक्सनर को ले सकते हैं। एरोन लिली बैटिंग में ऊपर आते हैं इसलिए मैंने एरोन लिली को प्रीफ्रेंस दिया है ऊपर आने की वजह से। आप चाहें तो जेम्स फोक्सनर, रेयान प्रिंगल, स्टीवन क्रॉफ्ट, ये तीनों ऑलराउंडर भी अच्छे हैं। इन तीनों को आप किसी को भी ले सकते हैं इन तीनों में। देख लेते हैं दोस्तों बॉलिंग में, बॉलिंग में इमरान ताहिर खेलेंगे नहीं, और नाथम रिंगविंगटन जो है काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और अभी तक सभी मैचों में परफॉर्मेंस दिया है इसलिए हमने राफेल रिंगविंगटन को लिया। आप क्रिस रूजरवर्थ भी खेलेंगे, आप चाहें तो इनको भी ले सकते हैं। वीगल भी अच्छे बॉलर हैं इसलिए इनको बैटिंग भी ऊपर आते हैं थोड़े। आप चाहें तो बैरी मैकार्थी को भी ले सकते हैं, वीगल को भी ले सकते हैं, हमने वीगल को लिया है। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास टोबी लेस्टर जो उनके मेन बॉलर हैं सीमर्स में, हमने उनको लिया है लंकाशायर की टीम से। आप चाहें तो मैट परकिंसन को ले सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ड्रीम इलेवन की टीम, इसमें हमारे पास कैप्टन हमने पॉल कॉलिंगवुड को बनाया, वाइस कैप्टन हमारे पास रहेंगे एलेक्स डेविज, ये हमने एलेक्स डेविज को वाइस कैप्टन बना दिया दोस्तों। तो ये हो गई हमारी ड्रीम टीम। तो दोस्तों ये तो हो गई ड्रीम टीम, आप कोई सी भी स्मॉल लीग अगर खेलना चाहते हैं तो इस टीम से खेलें, ये बिल्कुल बेस्ट टीम है मेरे हिसाब से और ये टीम बिल्कुल पास होगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें, हम इससे भी ज़्यादा डीपली नॉलेज और डीपली मैच की रिव्यूज़ लेकर आएंगे। और प्रेडिक्शन जो है हमारी, अभी तक हमने 8 मैचों की दी है, 8 में 7 पास हुए हैं, बस एक मैच का फेल हुआ है, वो भी वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश का T20 था, उसमें फेल हो गए थे हम, अदरवाइज सारे मैच हमारे पास हुए हैं। आप प्रिडिक्स अगर आज देखते हैं कौन में ये मैच विन होगा तो हम कहते हैं लंकाशायर विन होगा, आप ज़रूर लगाएं। और लंबी ओवर जाएगी, जितना भी लंबी मिले आपको 20 ओवर की वो लंबी यस करना, आप 180-190 बड़े आराम से बनते हैं और जो है ओवरऑल ये मैच लंकाशायर जीत जाएगी। थैंक्स दोस्तों।